नमस्कार दोस्तों, रेसिपी फॉर ऑल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हरी सब्जियां आसानी से नहीं मिल रही हैं, तो इस मुश्किल को थोड़ा सा आसान करने के लिए आज मैंने बनाया है मेथी दाने की सब्जी। सबसे पहले हम मेथी को भिगोएंगे। आधा कप मेथी मैंने लिया है और इसे 10 घंटे तक भिगो कर रखा था। अब हम इसमें से पानी को अलग कर लेंगे। पानी को निकालने के बाद कुछ इस तरीके से है। एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल गर्म करने के लिए रखा है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा करी पत्ता, 2 हरी मिर्च को काट कर मैंने रखा हुआ है, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। 1 मध्यम आकार के प्याज को थोड़ा छोटा सा काट कर मैंने रखा हुआ है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें प्याज को भूनना है। हम इसे मीडियम फ्लेम में कर देंगे और प्याज को भूनेंगे। इसे भुनने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। जब इसका रंग थोड़ा सा बदल जाए तब तक हम इसे भुनेंगे। देखिए, अब प्याज का रंग बदल गया है, हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस को लो फ्लेम में कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। स्वादानुसार नमक, ये घर में बना हुआ सब्जी मसाला मैंने इसमें डाला है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, धनिया पाउडर और सौंफ डालकर इसे बनाते हैं। अब हमने भिगोए हुए मेथी दाने इसमें डाले हैं, इसे हम अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। मैंने फिर से इसे मध्यम आंच में कर दिया है। अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हम इसे ढक कर धीमी आंच में 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। एक कटा हुआ टमाटर हम इसमें डालेंगे। अच्छे से इसे मिलाने के बाद ढक कर इसे 2 से 3 मिनट तक हम धीमी आंच में पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। बस अब इसमें एक चीज़ डालनी है, वह है नींबू का रस। आधा नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ा है। अब हमारी ये जायकेदार सब्जी तैयार है। आप इसे रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं। अगर आप इसे बनाते हैं तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको यह कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।